नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स पर। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं तमाम खाने पीने से जुड़ी चीज़ों को लेकर। दोस्तों, आज ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कोई एक स्पेशल कंटेंट ना हो के एक समग्र रूप से मैंने एक कंटेंट तैयार किया है अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ बच्चों में मोटापा एक महामारी का रूप ले रहा है। देश की सरकार वास्तव में इसके प्रति, जो स्वास्थ्य विभाग हैं, इसके प्रति चिंतित हैं कि हमारे देश में डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोटापा इसी का एक कारण है। दोस्तों, इसका क्या कारण है कि जंक फूड हमारी किचन में, हमारे जितने बाजार में हम जाते हैं, किसी भी रेस्तरा में जाएँ, कैफ़े जाएँ, कहीं भी जाएँगे, जंक फूड ही हमें खाने को मिलेगा। और हमारे बच्चे जो बेहद, मतलब एक तरह से कहिए ज़िद्दी होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनको जंक फूड की तरफ ही, मतलब आपको लेके जाएंगे कि उनको जंक फूड भाड़ गए हैं तो खाने को ज़रूर मिले। आप बाज़ार जाएंगे तो आपका बच्चा ज़रूर ज़िद करेगा कि आपको कुछ ऐसी चीज़ उसको खिलानी है जो आपके घरों में नहीं बनती है। दोस्तों, जंक फूड आपके बच्चों को कोई पोषक तत्व नहीं दे रहे हैं। जो पोषक तत्व हमारे बच्चों को चाहिए, उनको प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनको फैट चाहिए, उनको विटामिन चाहिए, उनको मिनरल चाहिए, उनको फाइबर चाहिए, ये कुछ इन जंक फूडों में शामिल नहीं होता है। दोस्तों, बच्चों में क्या होता है, जंक फूड के प्रति क्यों वो इतने लालायित होते हैं? दोस्तों, जंक फूड में हाई सोडियम होगा, हाई मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होगा, हाई मात्रा में फैट होगा, तो उसकी वजह से बच्चों में एक डोपामाइन हार्मोन है, उसका विकास होता है। और डोपामाइन उनको प्रेरित करता है, ये लालच देता है कि वो उन चीज़ों का सेवन करें। वो एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है उनके लिए, इन जंक फूड का सेवन करने के लिए। वो हमारे जितने भी घर में बनने वाली दाल सब्जी हैं, सब्जी रोटी होगी, या फ्रूट्स हो गए, या सैलेड हो गया, उनको खाना कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका स्वाद सामान्य होने के कारण, जो हमारी स्वाद की कणिकाएं हैं, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। इस कारण से बच्चे में जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, या उनको खाने की ज़्यादा इच्छा होती है। दोस्तों, अगर जंक फूड की बात करें, जंक फूड में बहुत सारे ऑप्शन आपको, मतलब मार्केट में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, जैसे आप बर्गर की बात कर लें, पिज़्ज़ा की बात कर लें, कुकीज़ की बात कर लें, केक की बात कर लें, पेस्ट्री की बात कर लें, बहुत सारे आजकल फ्रोजन आइटम आ रहे हैं नगेट्स के रूप में, जैसे चिकन नगेट्स भी मिलता है, वेज नगेट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। पैक्ड में जैसे चिप्स की बात कर सकते हैं, कुरकुरे की बात सकते हैं, हर ब्रांड जितने भी हैं, जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन्होंने अपने पैक्ड आइटम मार्केट में तैयार करके भेजे हैं। उनमें क्या होता है, आप देखिएगा, किसी भी, आप अगर मैं पिज़्ज़ा बर्गर की बात करूं, वो आपके बच्चे को हाई कैलोरीज देगा, हाई कार्बोहाइड्रेट दे देगा, हाई सोडियम देगा। इसकी वजह से बच्चों में बहुत सारी क्रोनिकल डिजीज, जो बहुत लंबे समय में, जब वो आप काफ़ी आगे जाएंगे अपने जीवन में, आगे बढ़ेंगे, तो उस समय दिखाई देगा कि उनको बहुत पुरानी बीमारियाँ हैं। उनका कारण क्या है, उनका मात्र कारण एक अनहेल्दी खाने को अपने डाइट में शामिल करना है। इसके लिए हम माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों की थोड़ी सी जिद की वजह से उनकी जिद के आगे झुक जाते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको कोई भी जंक फूड, आज ये खिला दिया, कल वो खिला दिया, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम आज की सुविधा की दौड़ में, जो सुविधा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो हमें सुविधाजनक जीवन शैली अपने बच्चों को दे रहे हैं, वहाँ हमें इन जंक फूड से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें, मैंने जैसे बताया कुकीज़, केक और पेस्ट्री की, आपके बच्चों को उससे क्या मिला है, केवल फैट मिला है, ट्रांस फैट मिला है, कार्बोहाइड्रेट मिला है, ना कोई फाइबर मिला, ना विटामिन मिले, ना कोई प्रोटीन्स मिला, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, केवल आपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कराया, हाई कैलोरीज का इंटेक कराया। बहुत सारे पेय पदार्थ आप देखेंगे, एनर्जी ड्रिंक के नाम से भी सर्व हो रहे हैं, बहुत से रियल जूस के नाम से सर्व हो रहे हैं, बहुत तमाम तरह के ऐसे हैं जिसमें बहुत हमारे देश के नामी गिरामी जो कलाकार हैं, वो भी उसका एडवर्टीज़ करते हैं। लाल रंग का एक कुछ चल रहा है आजकल, ऊर्जा का, उसे कहते हैं कि ऊर्जा उससे प्राप्त होगी, कुछ इस तरह के नाम से आप ऐड हैं। वो जिम जाने वाले बच्चे जितने हैं, जो युवा हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं जिम में देखता हूँ तो बहुत सारी बोतलें मुझे उसकी, आजकल जो ऊर्जा वाला ड्रिंक चल रहा है, वो एनर्जी ड्रिंक के नाम से, उसकी बहुत सारी खाली बोतलें मिलती है, तो पूछने पता चलता है आजकल बच्चे उसको प्री वर्कआउट के रूप में ले रहे हैं, जबकि टोटल आर्टिफिशियल है, कैलरीज दिखा रखी है, कम कैलरीज है, उसमें आर्टिफिशियल शुगर ऐड किया हुआ है, उन्होंने आर्टिफिशियल जितने केमिकल्स वगैरह हैं सारे ऐड किए हैं, जो कहीं भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। दोस्तों, इसी क्रम में बात करूँ तो बहुत पैक्ड आइटम, जैसे मैंने चिप्स की बात करी, कुरकुरों की बात करी,
स्टडी ये कहती है कि चिप्स कुरकुरे आपको क्या दे रहे हैं, सोडियम दे रहे हैं आपको, अनहेल्दी जो ट्रांसफैट है जो आपके लिए डायबिटीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए या हाई ब्लड प्रेशर के लिए उसके कारक हैं, वो सारे सारे उसमें मौजूद हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इजिली अवेलेबल है, 20 रुपये का गए ये चिप्स उठा दिया, कभी दूसरा चिप्स उठा दिया, कभी तीसरा चिप्स उठा दिया, तमाम तरह के चिप्स हैं, उनको थोड़ी जिद पूरी करने के लिए हम झुक जाते हैं और उनको आसानी से खरीद के दे देते हैं। जबकि इनके साइड इफेक्ट हमारे बच्चों पे कितने पड़ रहे हैं, आप स्टडी को देखिएगा दोस्तों, आप खाना छोड़ो, अपने बच्चों को उस तरफ देखना बंद करा देंगे, इतनी हाई मतलब क्रॉनिकल डिजीज इससे पैदा हो रही है आज के टाइम में। दोस्तों ऐसे ही कुछ बात करें, जैसे बर्गर की बात की थी मैंने, बर्गर की बात करें तो बर्गर से लगभग आपको 500 कैलोरीज मिल जाएगी, 300 कैलोरीज मिल जाएगी। हाई कैलोरीज के बर्गर की आप बात करेंगे, मैकडोनल्ड्स ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है 700 कैलोरीज तक का बर्गर उनके पास अवेलेबल है। आप सोचिएगा आपके बच्चे की जो दिन भर की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उसका 50% तो आपने बर्गर से दे दिया, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप चेक करेंगे, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू उससे नहीं मिलेगी आपको। ऐसे ही पिज्जा की बात करेंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे, एक पिज्जा आपको मीडियम साइज पिज्जा 2000 कैलोरीज तक दे सकता है, जो एक मेरे जैसे इंसान के लिए पर डे की रिक्वायरमेंट है। जैसी मेरी दिनचर्या, 2000 कैलोरीज मेरे लिए मोर देन सफिशियंट है। लेकिन उससे एक बर्गर मैंने अगर ब्रेकफास्ट में खा लिया, लंच में खा लिया, फिर देखिए दिन भर में कितनी कैलोरीज में इंटेक करता हूँ, वो सरप्लस होंगी, वेट बढ़ाने का कारण बनेगी, वेट बढ़ेगा तो पता नहीं कितनी डिजीज मेरे अंदर आएंगी, डायबिटिक पेशेंट मैं हो जाऊँगा, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियाँ जो हमारे देश में फैल रही हैं उनका हम कहीं ना कहीं शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों यही अपनी वीडियो का, आज की वीडियो का कंटेंट था। आप कोशिश करिएगा जितने भी आपकी किचन में पैक्ड आइटम है उनको कम करने की कोशिश करिएगा। इनके विकल्प आप घर में बना के जो अपने बच्चों को विकल्प दे सकते हैं, आपके बच्चे का पिज्ज़ा खाने का मन है तो ब्रेड ला के, आटे वाला ब्रेड लगा के, उसमें सारी चीज़, सारी जितनी भी चीज़ है अवेलेबल है अच्छी ब्रांड का चीज़ ला के, आप कभी कभी उसमें हेल्दी वेजिटेबल्स डाल के उनको सर्व कर सकते हैं, वही टेस्ट मार्केट वाला टेस्ट मिल जाएगा। या कभी हो सकता है महीने दो महीने में आपने सेवन करा दिया, अपने बच्चे को चले गए साथ में, थोड़ा बहुत खिलाया, थोड़ा और कुछ हेल्दी फूड ले लिया, तो उस तरह से भी उनकी रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मेरी वीडियो का कंटेंट था, आप कोशिश करिएगा अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखें, ताकि आपका बच्चा इन क्रॉनिकल डिजीज से जो भविष्य में उनके नज़र आएंगी आपको, उनसे आप बचा सकें। तो दोस्तों यही वीडियो का कंटेंट था, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।